A plane is parallel to two lines whose direction ratios are 1, 0, minus 1. Okay, and minus 1, 1, 0. मेरे पास एक प्लेन है और वो दो लाइंस के पैरेलल, लाइक इन लाइंस के डीआरस दिए हैं, इनके पैरेलल है, ऐसा दिया है. इसका मतलब लाइंस के पैरेलल वेक्टर में क्या लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर कितना आएगा, एक लाइन के वेक्टर आई आई माइनस के, ओके. एंड दूसरा जो वेक्टर आएगा, दूसरी लाइन के पैरेलल वेक्टर आएगा, डीआरस दिए हैं माइनस आई प्लस जे. ये लाइन के पैरेलल वेक्टर हैं. और लाइन क्या है, प्लेन के पैरेलल है. तो ध्यान से समझना, मैं प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर इधर अपसाइड और बिलो डाउनवर्ड और अपवर्ड मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी कैसा होगा, इट इज द वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. इट इज द वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये मैं आसानी से लिख सकता हूँ और मुझे लगता है ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी. बिकॉज लाइक ये है, मेरे पास एक ऐसा है और ऐसा ही है, तो इन दोनों का क्रॉस लूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन. क्रॉस प्रोडक्ट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन. परपेंडिकुलर टू, इफ आई एम, अगर मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं तो ए क्रॉस बी इज द परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी. It means because the plane is parallel to A as well as B, so A cross B is perpendicular to the plane. Okay. Now क्या है, it का 1, 1, 1, like यहाँ पे मेरे पास एक point दिया है, इसका position vector है I plus J plus K. Okay. And ये point है और ये plane में लाइ कर रहा है. तो उस plane की equation में क्या लिख सकता हूँ, R minus R1, कोई variable point R मान लिया, ध्यान से समझिए, R minus R1, it is the vector that is in the plane, dot n must be equals to 0. It is the equation of plane. अब पहले मैं इसे 3D के फॉर्म में निकाल लेता हूं. ओके, अब ध्यान से सुनना, A cross B की वैल्यू कितनी आएगी, आई जे के होते हैं, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से निकालना चाहो डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हो. A cross B कितना आएगा, आई जे के और 1, 0, माइनस 1 और माइनस 1, 1, 0. सही है, I को करेंगे तो दिस, तो ये मेरे पास कितना आएगा, A क्रॉस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिए, A क्रॉस B की I और यहां पे कितना आएगा, 0, ये 1 आएगा, ओके, प्लस J, माइनस J आएगा, माइनस J और दिस और दिस और ये बंद हो, 0 माइनस वन आ जाएगा और प्लस के, तो मेरे पास ये आ गया आई प्लस जे प्लस के, ये आ गया, बस समझ आई. और ये डॉट है, आर माइनस आर वन कितना होगा, आर वन क्या है, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन इंटू वन, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस वन इंटू वन प्लस वाई माइनस वन इंटू वन प्लस जेड माइनस वन इंटू वन equals to 0. It is the plane. इसकी हेल्प से मैंने लिख लिया. R vector क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. आर वन क्या है, आई प्लस जे प्लस के, तो आर माइनस आर वन डॉट डॉट प्रोडक्ट हम निकालना जानते ही हैं, तो ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3. x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3. एंड सिंप्लीफाई करें तो मैं x by 3 प्लस y by 3 प्लस जेड वाई 3 इक्वल्स टू 1. ये प्लेन की इक्वेशन आ गई. इस फॉर्म में क्यों चेंज की मैंने, इट कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन. ओ 0 0 है, 0 0 0, ए क्या है भाई, ए है 3 0 0, बी क्या है 0 0 0 3 0 एंड सी क्या है 0 0 3. तो ये ओ ए बी सी, ये मेरे पास टेट्राहेड्रन जो बन रहा है, चार पॉइंट्स आ गए, ये टेट्राहेड्रन बन रहा है, ध्यान से समझना, टेट्राहेड्रन. तो उसका वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम का रिजल्ट भी मालूम होना चाहिए. टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या होता है, पहले पाइप का वॉल्यूम का क्या होता है, 1/6 होता है. तो टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, अच्छे से देख रहा हूं, 1/6 और ब्रैकेट ओ ए ओ बी OC,
ये आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बात समझ आएगी नहीं? ब्रैकेट ओ ए ओ बी ओ सी, ठीक है। ओ ए तो ये मैं आसानी से लिख रहा हूँ, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट है और ये डिटरमिनेंट होता है। ये कितना है, ये मेरे पास 3000003003, ऐसा कुछ आएगा। बात समझ आई? तो ये मेरे पास आ जाएगा 9/2। ओके, नाउ फोकस हियर, काफी कुछ है इसमें सीखने के लिए। सीखने के लिए क्या क्या है ध्यान से समझिए। अगर किसी प्लेन के पैरेलल दो वेक्टर दिए हैं, डियास दिए हैं या वेक्टर्स ही दिए हैं, और प्लेन में एक पॉइंट दिया है, तो मैं प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालता हूँ? सबसे पहले उन दोनों वेक्टर की हेल्प से मैं क्या करूँगा, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कैलकुलेट करूँगा। और जैसे मेरे पास प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, तो प्लेन में एक वेक्टर क्रिएट किया, r-r1.n=0। ये पहली बात है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3D की इससे अच्छी प्रॉब्लम नहीं हो सकती भाई, यही में भी आया है। नाउ फोकस करिए, इसकी हेल्प से डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए दो वेक्टर। r-r1 का मतलब क्या होगा, लाइक x-x1 × 1 x1 x2 y1 y2 z1 z2। तो ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। ओके, प्लेन की इक्वेशन, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब बात आती है कि प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, तो मैंने उससे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लिया। एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, जहाँ वाई और जेड जीरो होगा, 300, वाई एक्सिस 030। कैलकुलेशन काफ़ी कम है लेकिन कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इन्वॉल्व है। अब मुझे ऐसे टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम चाहिए जिसके जो वर्टिसेस हैं वो क्या है, ओ है, ओ ए, ओ बी और ओ सी है। तो तीनों एडजेसेंट वेक्टर्स मालूम हो तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ओ ए ओ बी ओ सी 1/6, ये वॉल्यूम होता है भाई। ये भी एक्सप्लेन किया टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम। बात समझ आई ना, इसका यूज भी आ रहा है। अब टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम को रिजल्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कैसे निकलता है, वही वेक्टर आ जाएगा मेरे पास 3i आएगा। वही वेक्टर कितना आएगा, वही वेक्टर मेरे पास आएगा 3i। ध्यान से समझ रहा हूँ, वही वेक्टर होगा 3i। सिमिलरली ओ बी होगा 3j और ओ सी होगा 3k। तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और या फिर मैं इसके डिटरमिनेंट की हेल्प से निकाल सकता हूँ। तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें जो जो इन्वॉल्व है वो सब आपको रिवाइज करना चाहिए। कि अगर पहली बात कि मैं ऐसे प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालूं जिसके पैरेलल दो डीआर दिए हों या दो वेक्टर्स दिए हों और एक पॉइंट प्लेन में दिया हो, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, उससे जो प्लेन की इक्वेशन आ गई वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को कहां पॉइंट पर कट करता है, वो कैसे निकालूं। तीसरी बात, अगर मुझे टेट्राहेड्रन के वर्टिसेस मालूम है, टेट्राहेड्रन के वर्टिसेस मालूम है, तो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम मैं कैसे निकालता हूँ, ये मुझे मालूम होना चाहिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1/6 ऑफ ब्रैकेट वेक्टर्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स अलोंग द एडजेसेंट साइड्स, तो और साथ में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ है इसमें रिविजन के लिए। तो ये सभी टर्म्स आपको ढंग से क्लियर हैं तो आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकते हैं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ओके, ओके?